आपकी भीख, कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की यह कविता आजादी के वक्त लिखी गई थी। उस वक्त चारों ओर आंदोलन का माहौल था और हर भारतवासी के मन में एक अगन, एक तमतमाहट सी थी। इस कविता को पढ़ने के बाद हर भारतवासी के मन में कैसी अगन और कैसी तमतमाहट रही होगी, इस बात का आकलन आज भी किया जा सकता है। धुधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुआसा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज सो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बेचैन है हवाएं, सब और बेकली है, कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है, मझधार है, भंवर है, या है पास किनारा, यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा, आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा, तम वेधिनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। आगे पहाड़ को पा धरा रुकी हुई है, बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है, अग्निस्फुलिंग रज का बुजतेर हो रहा है रो रही जवानी अंधेर हो रहा है, निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है, पंचास से नाद भीषण विकराल मांगता हूँ, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूँ, मन की बधी उमंगे असहाय जल रही है, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं, भीगी खुशी पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं, इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे, उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ, आंसू भरे द्रगों में चिंगारियां सजा दे, मेरे शमशान में आ श्रृंगी जरा बजा दे, फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, हिमशीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे, आमर्स को जगाने वाली शिखा नई दे, अनुभूतियां हृदय में दाता अनल मई दे, विस्का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ, ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे, गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे, अब दे चुके लहू हैं तू देवता विभा दे, अपने अनल विशिख से आकाश जगमगा दे, प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। ऐसी कविता जो मन को आंदोलित कर दे और उसकी गूंज सालों तक सुनाई दे, ऐसा बहुत ही कम हिंदी कविताओं में देखने को मिलता है। कुछ कवि जन कवि होते हैं तो कुछ को राष्ट्र कवि का दर्जा मिलता है, मगर एक कवि जो राष्ट्र कवि भी हो और जन कवि भी, यह इज्जत बहुत ही कम कवियों को नसीब हो पाती है। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ऐसे ही कवियों में से एक हैं, जिनकी कविताएं किसी अनपढ़ किसान को भी उतनी ही पसंद आती हैं, जितनी कि उन पर रिसर्च करने वाले किसी स्कॉलर को। दिनकर जी की कविताएं आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक मालूम होती हैं, जितनी कि उस दौर में जब वह लिखी गई थी। इनकी कविताओं में जिन परिस्थितियों का वर्णन है, उनका आकलन आज भी किया जा सकता है। दिनकर जी का जन्म 23 दिसंबर 1908 में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के एक गांव सिमरिया में हुआ था।